हर हफ्ते में किसी न किसी को मारता हूँ या तो फिर मैं पीटता हूँ। ये लड़कियाँ मुझे पीट के चली जाती है और लड़कों को मैं पीटता रहता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। सो वेल, अभी ईशानी को किसी ने किडनैप कर लिया और मुझे पता नहीं मैं कौन, उससे फिरौती मांगी। मैं यहाँ पर 20 करोड़ रुपये लेकर आया हूँ उसके लिए। एंड ही टेल्स मी कि तुम यहाँ 20 करोड़ रुपये रखो और यहाँ से निकल जाओ, घर पहुँचोगे तुम्हें ईशानी मिलेगी। सो मैं वही टेंशन में हूँ कि कौन है जो यहाँ पर पैसे लेने के लिए आएगा। और मैंने पुलिस को भी लॉट करके रखा हुआ है कि जैसे ही वो आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। तो इतने में मुझे से एक सस्पेक्ट लगता है और उसे मैं मारना शुरू कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि यही है वो, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। तो फिर आरवी का शक किसके ऊपर है, रितिका के ऊपर या फिर किसी और के? वैसे रितिका के ऊपर ही है, लेकिन ये शख्स कोई और ही है शायद। मैं किसी भी तरीके से ईशानी को ढूंढने की कोशिश करूँगा और ढूंढ के निकालूँगा कैसे नहीं। अभी रणवीर को पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है ईशानी के प्यार के बारे में, और अभी वो बिल्कुल भी मिसट्रस्ट नहीं करेगा उसे, क्योंकि ऐसे सारे इंस्टेंसेस हुए हैं उनके लाइफ में कि अभी उसे पता चल चुका है कि अभी जो भी ईशानी ने किया था वो रणवीर के भले के लिए किया था। सो ही कम्प्लीटली बिलीव्स द रणवीर, और अभी वो मुश्किल में है तो उसे बचाना चाहता है।